दो सवार दो हेलमेट, मर्द हो या खातून हेलमेट पहनना होगा लाजमी। 1 दिसंबर से बगैर हेलमेट दूसरे सवार का भी चालान होगा। साइड मिरर भी लाजमी करार दिए गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सरफराज खान से, जो इस वक्त माल रोड पर मौजूद हैं। जी सरफराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 1 दिसंबर के बाद ख़वातीन हो या मर्द, दोनों पर हेलमेट का इतलाक़ जो है वो ज़रूरी कर दिया गया है। और इससे पहले जो है वो हेलमेट की पाबंदी पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया था, शहरियों को आगाह किया गया था हेलमेट की पाबंदी पर। और अब जो है वो सैकड़ों जो है वो शहरियों के चलानात किए गए हेलमेट की पाबंदी पर। और 1 दिसंबर के बाद ख़वातीन हों या मर्द हों, इन पर हेलमेट की पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से बात करते हैं, यहाँ पे सेक्टर इंचार्ज मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं। अच्छा सर, अभी तक जो है वो आप हेलमेट की पाबंदी करवा रहे हैं, आगाही भी कर रहे हैं, इस हवाले से हमें बताएं कि ख़वातीन पर भी इतलाक़ हो गया है हेलमेट का, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ख़वातीन पर भी इतलाक़ होना चाहिए, तो ये हाईकोर्ट का हुक्म है। क्योंकि ये अगर ख़वातीन भी चलाएगी मोटरसाइकिल या पीछे बैठी होंगी जो ख़वातीन, वो भी खुदा ना खाता है हेड इंजरी का शिकार हो सकती है। कोई एक्सीडेंट ना अल्लाह ना करे कोई हो जाता है कहीं कोई, तो वो भी गिर सकती है, उनका भी ये नुकसान हो सकता है, इसलिए उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है हेलमेट पहनना। बहुत जी बिल्कुल, इंटरनेशनल रूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो ख़वातीन हों या मर्द हों, उनके लिए हेलमेट का इतलाक़ जो है वो ज़रूरी होता है। बैरून ममालिक में भी ख़वातीन जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करती हैं। इसी असना में हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं कि 1 दिसंबर के बाद ख़वातीन हों या मर्द हों, दोनों हेलमेट आपका सरफरा